ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। हाँ ऐसे नहीं, ज्ञापन के आपको देना है, जितने लोग आए इसकी सूचना आप देते हैं पहले लिखित, उस लिखित सूचना के बाद ही ज्ञापन दे। ये नोएडा हमें शांति व्यवस्था भी। जी सर बताइए। मैं धर्मेंद्र नंदा, उपाध्यक्ष नोएडा महानगर। हमारी आज का जो ज्ञापन हमने दिया है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, गौ माता के संरक्षण के उपलक्ष्य में दिया है। हमारी यही मांग है कि गौ माता का संरक्षण, जो आजकल मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है गौ माता के उसके लिए। अगर ये गौ माता को राष्ट्रीय घोषित कर दिया जाएगा तो ये मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। दूसरी हमारी एक डिमांड और है, जो लोग गायें पालते हैं और गायों को दूध धोने के बाद आवारा पशुओं की तरह छोड़ दिया जाता है, उससे क्या है कि वो कूड़ा कचरा खा के गौ माता मर रही हैं, उनके पेट में 10-20 किलो पॉलीथीन इकट्ठी हो जाती है। उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो गायें पालते हैं और पालने के नाम पर अपना दूध निकाला और सड़कों पर छोड़ देते हैं, उनके ऊपर भी कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये मॉब लिंचिंग की और ये इस तरह की जो समस्या है उनका समाधान हो पाएगा। यही हमारी मांग है माननीय राजनाथ सिंह जी से। जी सर, आप लोग यहाँ पे आए सर, आप लोग क्या डिमांड है, नाम बताइए। मैं अंतर्राष्ट्रीय भगवा सेना अध्यक्ष सजधर उपाध्याय नोएडा महानगर। मैं यहाँ पे गौ माता रक्षा के संदर्भ में जिला मजिस्ट्रेट के पास गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा घोषित करने के उपलक्ष्य में और माननीय राजनाथ सिंह गृह मंत्री जी को तक ज्ञापन पहुँचाने के संदर्भ में ज्ञापन देने यहाँ आया था, और अपनी पूरी टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय भगवा सेना के हम कई बार पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और हम लोग इस संदर्भ में हमेशा ज्ञापन देते रहेंगे। अगर ये मान्यता गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिला तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आगे भी जहां भी होगा उस वहां जाते रहेंगे, अपने ज्ञापन को बढ़ाते रहेंगे और साथ में इस कार्य को हमेशा हर ऑफिस में हर DM मजिस्ट्रेट के यहाँ पहले दिए हैं, आगे देते रहेंगे। और सबसे बड़ा अनुरोध आज अंतर्राष्ट्रीय भगवा सेना कर रही है कि जिस व्यक्ति गौ माता को पालन करते हैं उनको पालन के साथ साथ दूध निकालने बाद जो छोड़ देते हैं वो अपने घर में रखें तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि सड़कों पे चलते हुए यातायात का काफ़ी उल्लंघन होता है और गौ माता को चोट लगती है, उस संदर्भ में कोई ना तो ध्यान देते हैं ना ही कोई कार्य करते हैं। इसलिए प्रशासन के साथ साथ हर जनता को इसमें से पहुंचना चाहिए। आप लोग मांग क्या किए हैं राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए? गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने करने के लिए हम पहले भी दिए और आज भी देते रहे, हमेशा देते रहे।